नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं महेंद्र सिंह। मध्य प्रदेश का वो जिला जिसे मंदसौर कहा जाता है, जहां पर लगातार बारिश का कहर आसमान से बरपा और हालत ऐसी हो गई कि जिंदगी नाव पर आ गई और पूरा जिला जैसे जलमग्न नजर आने लगा। लिहाजा शुरू हो गई राजनीति और मध्य प्रदेश में ये विडंबना का विषय है कि बाढ़ राहत पहुंचाने के नाम पर भी राजनीति ज्यादा गर्म है बनिस्बत राहत पहुंचाने के। मैं हूं महेंद्र सिंह और इस खास रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जहां एक और नीमच और मंदसौर जैसे जिलों की बात करें तो वहां पर पूरी की पूरी सरकार बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने का तमाम दावा कर रही है, तो इसी बीच राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही हैं। दरअसल पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भजन आंदोलन के जरिए अपनी आमद मंदसौर जिले में दी और बाकायदा जनता की अदालत भी लगाई। इस अदालत में तमाम बाढ़ पीड़ितों ने अपनी पीड़ा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताई और उम्मीद जताई कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार तमाम बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि भी देगी और मुआवजा भी पहुंचाएगी। लेकिन इसके बाद शुरू हुई राजनीति। जी हां, जैसे जैसे शिवराज सिंह चौहान तू डाल की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मैं पात पात की कहावत को चरितार्थ करते नजर आ रहे हैं। जहां एक और उन्होंने बाढ़ राहत को लेकर बड़ी बैठक भी बुलाई और मंथन के बाद अब वो खुद मंदसौर जिले का रुख कर गए हैं। जी हां, आज मुख्यमंत्री कमलनाथ मंदसौर जिले के दौरे पर हैं। तमाम बाढ़ पीड़ितों से वो मुलाकात करने वाले हैं और जिला प्रशासन की मदद से, राजस्व अमले की मदद से तमाम बाढ़ पीड़ितों को अब राहत राशि भी दी जाने वाली है और तमाम बाढ़ पीड़ितों को मुआवजे देने का ऐलान भी किया जाने वाला है। लेकिन कहा ही जा रहा है कि सूबे की सियासत में शिवराज सिंह चौहान बनाम कमलनाथ का सियासी संग्राम भी देखने को मिल रहा है। किस तरह से तमाम नज़ारे आम हो रहे हैं और आखिर किस तरह से मंदसौर की जनता है जो कि राजनीति नहीं बल्कि राहत चाहती है, सबसे पहले तमाम जानकारियों को लेने के लिए जुड़ते हैं एमपी न्यूज के रिपोर्टर संदीप मीणा से। संदीप, बताइए जरा किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से, यदि शिवराज सिंह चौहान के आंदोलन की बात करें तो वो भजन आंदोलन बनता नजर आया और अब कमलनाथ यानी कि मुख्यमंत्री जब सीधे मंदसौर जा पहुंचे हैं, तो क्या वाकई में मंदसौर की जनता को राहत मिलने वाली है और जो लगातार पिछले दिनों आसमान से आफत बरसी थी, क्या उस पर या उनके तमाम दर्द पर अब मलहम लगाने का काम करने वाली है मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार? जी बिल्कुल महेंद्र जी, अगर बात करें मंदसौर की तो मंदसौर जो है आप जो है सियासत का पूरी तरीके से गढ़ बन चुका है, क्योंकि यहां पर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव यानी कि 2018 से शुरू हुई सियासत अभी तक जारी है और पहले हालात थे किसान आंदोलन के और अब हालात है बाढ़ के प्रकोप का, और देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से मंदसौर में जो है सियासत जो है यहाँ पर खेलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना डेरा डाले हुए हैं। लगातार यहाँ पर वो बाढ़ पीड़ितों का जायजा ले रहे हैं, साथ ही साथ ना सिर्फ वो बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं बल्कि यहाँ पर जनता की अदालत लगाकर 24 घंटे का अपना अनशन भी उन्होंने किया। तो शिवराज सिंह का जो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए जो अनशन हुआ दिन में, उनका एक अलग अंदाज देखने को मिला कि शिवराज सिंह चौहान ने जनता की अदालत लगाकर बाढ़ पीड़ितों की जो है समस्याओं को सुना, उनसे वन टू वन चर्चा की, लेकिन शाम को उनका जो अनशन है भजन आंदोलन में तब्दील हो जाता है और रात भर शिवराज सिंह चौहान रात्रि जागरण करते हुए भजन कीर्तन हुए करते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर बात यह है महेंद्र जी कि शिवराज सिंह चौहान पूरी तरीके से मंदसौर में माहौल बनाने में जुट गए हैं ताकि कमलनाथ सरकार को घेरा जा सके, और लगातार शिवराज सिंह चौहान कर भी ऐसा ही रहा है। वो जहां भी जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ सरकार पर करारा निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब भी वो बाढ़ पीड़ितों से मिलते हैं तो मुआवजे की मांग को लेकर ये बात कहते हुए अक्सर नजर आ रहे हैं कि अब तक अगर मामा मुख्यमंत्री होता तो बिना सर्वे ही किसानों के और बाढ़ पीड़ितों के खाते में पैसे डाल दिए होते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान का वो स्टाइल भी नज़र आ रहा है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान महेंद्र जी सियासत के वो सिकंदर कहलाते हैं, वो खिलाड़ी कहलाते हैं जो कि अपने स्टाइल से लोगों को कायल कर देते हैं, और यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान अपना जो 15 साल का उन्होंने जो मध्य प्रदेश की सत्ता का जो अनुभव रहा है उसको विपक्ष की भूमिका में काफ़ी उसका लाभ ले रहे हैं, और यही वजह है कि लगातार हर मुद्दे पर कमलनाथ सरकार की घेराबंदी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और मंदसौर में जो उन्होंने माहौल बनाया है महेंद्र जी, वाकई में शिवराज का ये अंदाज देखने को मिल रहा है। वहीं साथ ही साथ जो उनका एक मामा स्टाइल है
वो भी लोगों को काफी आकर्षित करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर बड़ी बात यह है कि कमलनाथ सरकार भी अब जो है मैदान संभाल लिया है कमलनाथ सरकार ने, और आज यहां पर मुख्यमंत्री कमलनाथ पूरा एक दौरा करने आए हैं मंदसौर की सरजमी पर, और उनके साथ साथ पूरे जो तमाम मंत्री हैं वो भी मौजूद है, जनप्रतिनिधि भी मौजूद है। अनुमान लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ पर कई बड़ी सौगात देंगे जनता को, कई ऐलान करेंगे, और जो बाढ़ पीड़ितों का जो दर्द है वो दर्द को दूर करने की कोशिश भी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर संदीप इन तमाम जानकारियों के लिए। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि लगातार आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान केंद्र से मदद दिलाने के मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर। कहते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब तो विपक्ष में रही कांग्रेस ने इस तरह की कोई मदद केंद्र से नहीं दिलाई, तो अब क्यों ऐसी अपेक्षा उनसे की जा रही है। बहरहाल यहां पर विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार को जो बड़ा राहत पैकेज मध्य प्रदेश की सरकार को देना चाहिए वो अब तक नहीं मिला है। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने में कई तरह की जटिलताएं और कई तरह के अवरोध भी आ रहे हैं। जब मुख्यमंत्री खुद कमलनाथ मंदसौर जिले में पहुंचे तो क्या नजारा था, और किस तरह से मंदसौर की जनता ने उम्मीदों के साथ मुख्यमंत्री का न केवल स्वागत किया बल्कि अपनी पीड़ा भी उन तक पहुंचाई। एक बार फिर तमाम जानकारियों को लेने के लिए जुड़ते हैं एमपी न्यूज के रिपोर्टर संदीप मीणा से। संदीप, हमने शिवराज सिंह चौहान का नजारा तो देख लिया, भजन आंदोलन भी सुन लिया, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें मध्य प्रदेश की सरकार की, तो क्या वाकई में जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, और खास तौर पर जब सूबे के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद मंदसौर जा पहुंचे हैं, तो क्या वाकई में राहत यहाँ पर मंदसौर और नीमच की जनता को, बाढ़ पीड़ितों को मिलने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए महेंद्र जी, कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष ने मंदसौर का मैदान पकड़ा है, उसके बाद में अब कमलनाथ सरकार भी मंदसौर की सरजमी पर उतर आई है, और खुद सूबे के मुख्यमंत्री यहां पर आए हैं बाढ़ पीड़ितों के जख्मों पर मलहम लगाने के लिए, और उनके साथ तमाम कैबिनेट मंत्री की एक पूरी फौज भी मौजूद है और पूरा प्रशासनिक अमला भी उनके साथ मौजूद है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि कमलनाथ सरकार यहां पर जो त्राही मची है भारी बारिश की वजह से, जो बाढ़ के हालात हुए थे उसकी वजह से जो किसानों की फसलें बर्बाद हुई है, तो एक उसका एक उचित मुआवजा भी यहां पर देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहां पर जिस तरीके से लगातार मंदसौर में नेताओं का जमावड़ा लग रहा है, क्योंकि कल की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आंदोलन था और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बाढ़ पीड़ितों का जायजा लिया, आज मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद यहां पर मंदसौर की सरजमी पर आए हैं और बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे हैं और उनका हाल जान रहे हैं। वहीं अगर हम 25 तारीख की बात करें तो खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिराज सिंधिया का भी मंदसौर में दौरा होने वाला। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि मंदसौर जो है एक सियासत का पूरा एक पावर सेंटर बन गया है, और यहां पर दिग्गजों का न सिर्फ जमावड़ा लगा हुआ है बल्कि बयानों की भी बाढ़ आने लगी। एक दूसरे पर यहां पर तल्ख बयानबाजी की जा रही है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी है जो कमलनाथ सरकार पर से राहत की मांग करते हुए नजर आ रही है, लेकिन वहीं कमलनाथ सरकार की बात की जाए तो कमलनाथ सरकार बार बार केंद्र सरकार का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारियों से दूर हटते हुए भी नजर आ रही है। लेकिन बहरहाल आज जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ मंदसौर में आए हैं, तो लिहाजा जो वो बाढ़ पीड़ित हैं उनके अंदर एक उम्मीद जगी है कि कमलनाथ जो है उनके लिए कोई राहत का प्लान लेकर आए हैं, कोई उनको सौगात देंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा, क्या ये जो यहाँ के जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको सरकार राहत दे पाती है, या फिर ये जो दौरे ये जो बयान है इसी में ये जो है बाढ़ पीड़ितों का जो है दर्द सिमट कर रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अभी तक दौरे ही हो रहे हैं लेकिन अभी तक राहत की राशि कुछ भी नहीं आई। लेकिन बड़ी यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों की मांग है कि वो यहाँ पर जल्द से जल्द बजाय बयानों के बजाय दौरे करने की सिर्फ बाढ़ पीड़ितों को उचित राहत दे। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए संदीप आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हमारे संवाददाता संदीप मीणा बता रहे थे लगातार कि मंदसौर में किस तरह से आम जनजीवन जो है पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, और लगातार अतिवृष्टि की वजह से जनता यहाँ पर त्राहिमाम कर रही है, फसलें चौपट हो गई हैं, और मध्य प्रदेश की सरकार को अब राहत राशि के साथ साथ मुआवजे का ऐलान करने की बारी भी आ गई है। बहरहाल इन तमाम राजनीतिक समीकरणों के बीच में, इन तमाम घटनाक्रमों के बीच में उम्मीद ये की जा सकती है कि शिवराज सिंह चौहान बनाम कमलनाथ का सियासी संग्राम यहीं पर थम जाएगा और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठकर
तमाम राजनेता जनता के दर्द पर मलहम लगाने के लिए तत्परता भी दिखाएंगे। एमपी न्यूज की इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ये खास खबर आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और ताजातर इन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार देखते रहिएगा आपका अपना न्यूज चैनल एमपी न्यूज। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट mpnewstv.com को भी लॉग इन कर सकते हैं। यदि आप ये खास कार्यक्रम टेलीविजन पर देख रहे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। यदि फेसबुक या यूट्यूब पर आप ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना जरा भी न भूलें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।